गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज महिला महाविद्यालय बांदीकुई। हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष में कल अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, और मैंने 6 विशेषताएं हैं इनको आपको क्लियर करवाया था। अब बात अपनी चल रही थी कि हमारा भारतीय संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, अर्थात संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ विषयों में जटिल प्रक्रिया को या विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें संसद अकेले साधारण बहुमत से ही परिवर्तन कर सकती है। यहाँ अपनी बात चल रही थी, आगे अपन बढ़ते हुए विशेषताओं को जानेंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान का एक लक्षण ये भी है कि हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। संविधान में इसका उल्लेख है, कहा गया है कि भारत संसदीय शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत रहेगा। यहाँ एक दो बात हैं इसके संबंध में कि एक तो संसदीय शासन व्यवस्था को समझना सरल है तुलनात्मक रूप से अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के, और दूसरी बात यहाँ ये भी कि हम भारतवासी बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के गुलाम रहे थे या ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे, और ब्रिटेन में उस समय भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपना रखा था, और वर्तमान में भी संसदीय शासन व्यवस्था को वहाँ पर अपना रखा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते थे। तो संसदीय शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे नंबर 1, इसमें व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। तीसरी बात आती है कि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था में होती है, और इन लक्षणों को हमारे भारतीय संविधान में अपनाया गया है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है 8वें नंबर की, वो आती है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक व्यवस्था। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों ही प्रकार के लक्षणों को अपनाया गया है। भारत में ब्रिटेन की तरह एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये तो लॉर्ड कर्जन के समय से ही इसका विरोध हो रहा था, और दूसरी हमारे भारत में अमेरिका की तरह संघात्मक व्यवस्था की स्थापना भी नहीं की जा सकती थी। अतः एक ऐसा प्रयोग किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा कि हम भारत में संघात्मक व्यवस्था को तो अपनाएं, लेकिन उसी के साथ साथ में हम केंद्र को भी मजबूत बनाएं, क्योंकि केंद्र की मजबूती होना अत्यंत आवश्यक था। और हमारे भारत में जो राज्य हैं, देसी रियासतें हैं, इनको उनके स्तर पर ही नहीं छोड़ा जा सकता था, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में की जिससे हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक व्यवस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं। कनाडा के संघात्मक शासन व्यवस्था की जैसी ही प्रक्रिया को हमारे भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अपनाया है, तो वहाँ के मॉडल को हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया है। उसी के साथ साथ में हम देखते हैं कि भारत में इकहरी नागरिकता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक है, भारत में इकहरी लोक सेवाएं हैं जो आईपीएस आईएएस होते हैं, यूपीएससी उनका चयन करती है, एक ही है पूरे भारतवर्ष में।
राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, और जब इमरजेंसी होती है या संकट की स्थिति आ जाती है तो राष्ट्रपति देश में आपातकाल लगा देता है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो एकात्मक लक्षण हैं उनको लेकर चलती हैं। तो इसी वजह से हमारे भारत में ये बात है कि भारत ने एकात्मक लक्षणों से युक्त व्यवस्था को अपनाया है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, इसके भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, न्यायालय की स्वतंत्रता है, शक्तियों का विभाजन है, ये संघात्मकता के लक्षण हैं और इनको भी हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में अपनाए हैं। तो यहाँ सामान्य जो स्थिति होती है, जब तो हमारा भारतीय संविधान है वो संघात्मकता के लक्षणों को लेकर चलता है, और जब कोई आपात स्थिति आ जाती है तो फिर वो एकात्मकता के लक्षणों में आ जाता है, ताकि तुरंत प्रभाव से पूरे भारतवर्ष में नियंत्रण स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट बात आती है इसमें, यह विशेषता है संसदीय प्रभु सत्ता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संविधान निर्माताओं ने संपूर्ण विश्व के देशों के संविधानों का अध्ययन करके, मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ से जो बातें अच्छी थी उनको लिया था। सबसे पहले हम बात देखते हैं संसदीय प्रभु सत्ता। ये संसदीय प्रभु सत्ता का लक्षण ब्रिटिश संविधान का है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है और वो किसी भी प्रकार का साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। अब बात यह आई थी कि क्या हमारी भारत की संसद को भी ऐसा बनाया जाए कि वो किसी भी प्रकार का अपने स्तर पे परिवर्तन कर सके। तो अगर ऐसा होता तो संसदीय प्रभु सत्ता के कारण हमारे भारत की संसद है वो संविधान को अपने अनुकूल मोड़ सकती थी। इस वजह से हमारे भारत में संसदीय प्रभु सत्ता है उसको पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया। तो बात आती है दूसरी, न्यायिक सर्वोच्चता। जब हम अमेरिकी संविधान की बात करते हैं तो उसका प्रमुख लक्षण है न्यायिक सर्वोच्चता का, अर्थात वहाँ की न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, और जब वो किसी प्रकार का कोई आदेश निर्देश देती है तो वो भी एक तरीके से कानून ही हो जाता है। इस वजह से वहाँ न्यायिक सर्वोच्चता होती है। तो हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के बराबर शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती थी। इस वजह से हमारे भारत में संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में समन्वय स्थापित किया गया, अर्थात भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन भारत की न्यायपालिका उनका पुनरावलोकन कर सकती है, और अगर वो संविधान के प्रतिकूल होते हैं बनाए गए कानून तो उनको अवैध घोषित कर सकती है। इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी शक्तियों में कमी वृद्धि करने का, उनमें न्यायाधीश नियुक्त करने का, न्यायाधीशों के वेतनों में वेतन निश्चित करने का जो अधिकार है वो भारत की संसद को दिया गया है। तो इस रूप में जो संसद और न्यायालय है वो एक दूसरे पर कंट्रोल स्थापित करके चलते हैं, और कोई भी अंग है वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता जो कि संविधान का अतिक्रमण कर सके। इस रूप में दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया है। नेक्स्ट बात आती है इसमें, मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान निर्माता है वो ब्रिटिश शासन है उसके अत्याचार को देख चुके थे और जान चुके थे कि मौलिक अधिकारों के अभाव में कोई भी सरकार जनता के ऊपर किस कदर अत्याचार कर सकती है। अतः उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की, और एक अलग से ही प्रलेख है वो इन मौलिक अधिकारों का बना दिया था। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं,
अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1979 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर लीगल राइट कानूनी अधिकार बना दिया है। अब हमारे भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार वर्तमान में मिले हुए हैं। 7वां वाला जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में निहित किया गया है कि शिक्षा का जो अधिकार है उसको भी मूल अधिकारों में ही निहित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से आज भारत की सरकार जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उनके माध्यम से हमारा शोषण नहीं कर सकती या हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ साथ में 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर अनुच्छेद 51 के जोड़कर नागरिकों को 10 प्रकार के मूल कर्तव्य प्रदान किए गए थे और फिर उसके बाद में एक मूल कर्तव्य 11वां वाला और बढ़ाया गया है और इसमें ये कर दिया कि अब 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य होगा। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं वो भी हैं। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में निहित है। नेक्स्ट बात आती है राजनीति के निदेशक तत्व। जहाँ मौलिक अधिकार व्यक्ति के राइट हैं, अधिकार हैं, वहीं पे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो राज्य के अधिकार हैं और राज्य को संविधान ने ही ये अधिकार दिए हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निदेशक तत्व निहित हैं और राज्य का ये दायित्व होगा कि इन नीति निदेशक तत्वों की क्रियान्विति आगे आने वाले समय पर करें। और बहुत सारी क्रियान्वित नीति निदेशक तत्वों की क्रियान्विति है वो हमारी सरकारों ने की भी है और धीरे धीरे करते जा रहे हैं। अनुच्छेद 51 तक में नीति निर्देशक तत्व हैं उनका समायोजन किया गया है और राज्य नीति निदेशक तत्व हैं वो राज्य को दायित्व सौंप कर गए हैं और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी राज्य की कि इनके संदर्भ में वो अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। तो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता ये भी है कि राज्य है उसको दायित्व सौंप दिया गया है नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से। नेक्स्ट वाली जो विशेषता आती है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और ये न्यायपालिका किसी भी सरकार के अधीन रहकर कार्य नहीं करती है। न्यायपालिका का जो आधार है वो संविधान है, सरकार नहीं है। अतः संविधान जो कहता है न्यायपालिका उसी प्रकार से अपना कार्य संपादित करती है। इस रूप में भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है और आप देखिएगा कि इस रूप में भी स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाती है कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित हो जाती है या उनके वेतन निश्चित हो जाता है तो उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती ताकि वो दबाव में नहीं आए। दूसरी बात कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन पे बहुत साधारण प्रक्रिया से हटाया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये पद ऐसे हैं जिनमें केवल महाभियोग के द्वारा ही उनको अपने पद से मुक्त किया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इस वजह से न्यायाधीश हैं
वो स्वतंत्र आचरण करते हैं और संविधान के अनुकूल ही आचरण करते हैं। इस रूप में हमारे भारत की न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। नेक्स्ट बात आती है विशेषताओं में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का अंग और वैश्विक मताधिकार। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का संविधान में अंत कर दिया गया है। अपन नेशनल मूवमेंट में देख रहे थे भारतीय शासन अधिनियम 1909 बनाया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को दिया गया था जो भारत के लिए घातक सिद्ध हुई। इसको 1919 के अधिनियम में यथावत रखा गया था और 1935 के अधिनियम में इसमें और वृद्धि की गई थी। इसका परिणाम क्या निकला कि हमारे भारत में इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण भारत के दो टुकड़ों में विभाजन हो गया था। तो भारतीय संविधान निर्माता ये देख रहे थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था है वो हम भारतीयों के लिए घातक है, भारत के लिए घातक है। इस वजह से नवीन संविधान में इसका पूरी तरीके से अंत कर दिया गया और इसी के साथ साथ में सभी को वैश्विक मताधिकार प्रदान कर दिया गया था। जब संविधान बना था उस समय 21 वर्ष की आयु प्रत्येक व्यक्ति को अर्थात स्त्री पुरुष को मताधिकार प्रदान किया गया था। आगे चलकर 61वें संविधान संशोधन के आधार पर इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और अब प्रत्येक 18 वर्ष आयु प्राप्त स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार है। फिर वो चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी जाति का है, किसी भी प्रकार के लिंग है, मतलब इस आधार पर भारतीय संविधान में पूरी तरीके से निषेध कर दिया गया है। बस एक आयु का प्रावधान है, उसकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। तो इस रूप में भारतीय संविधान की खास विशेषता की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वैश्विक मताधिकार है उसका प्रारंभ हमारे भारत में हुआ है। नेक्स्ट बात आती है एकल नागरिकता। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। वैसे हमारे भारत ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है लेकिन संविधान के अनुच्छेद 1 में लिख रखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट अर्थात राज्यों का संघ है। इसका तात्पर्य ये है कि किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। अब हम संघात्मक व्यवस्था को देखें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है अर्थात वहाँ पर एक तो संघ की नागरिकता होती है और एक प्रांतों की नागरिकता होती है। स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर तिहरी नागरिकता है अर्थात एक तो स्विट्जरलैंड संघ की नागरिकता है, दूसरी वहाँ पर कैंटन की नागरिकता है, कैंटन व राज्य को कहते हैं, और तीसरी वहाँ पर कम्यून की नागरिकता है, कम्यून व जिले को कहते हैं। तो तीन तीन प्रकार की नागरिकता है। ब्रिटेन में केवल एकल नागरिकता है। अब हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए भी सिंगल सिटीजनशिप है उसको अपनाया गया था, एकल नागरिकता को अपनाया गया था। इसी वजह से हमारी जो पहचान है वो इस रूप में होती है कि हम भारत के नागरिक हैं, केवल हमें भारत की नागरिकता मिली हुई है। हम किसी भी प्रांत में निवास करते हैं तो उससे हमारी पहचान नहीं होती है। तो संविधान ने एकल नागरिकता को हमारे भारत में अपनाया है। नेक्स्ट बात आती है इसमें अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण। हमारे भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वो इस रूप में रही है कि यहाँ पर सामाजिक विभेद होता रहा था और संविधान निर्माता ये चाहते थे कि जो सामाजिक रूप से वंचित तबका है इसको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए इन्हें अधिकार देना अत्यंत आवश्यक है। इस वजह से जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें इनको आरक्षण दिया गया और राजनीतिक स्तर पर भी इनको आरक्षण दिया गया। संविधान में
स्पष्टतः अनुच्छेद 332 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में अर्थात भारत की संसद में इनको सेपरेट सीट दी गई और 334 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों में इन्हें सेपरेट सीट दी गई। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 332 और 334 के द्वारा इन वर्गों को विशेष प्रावधान किए गए थे और इससे ये है कि ये कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र सभी का है। अर्थात पहले ये देखा जाता था कि भारत का जो लोकतंत्र है वो कुछ लोगों का ही है और ऐसा देखने को भी मिला था कि समाज में जो प्रभुत्वशाली तबका है वही लोकतंत्र का संचालन करता था। अब इनको अधिकार देने से ये हो गया कि इन वर्गों के लोग भी पार्लियामेंट और स्टेट काउंसिल है इसमें जाने लग गए और अब भारत का लोकतंत्र है वो सभी का हो गया। कोई कह नहीं सकता कि भारतीय लोकतंत्र जनता का नहीं है। तो अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण है वो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही प्रदान किए हैं। नेक्स्ट अब बात आती है विशेष शांति का समर्थक। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें शांति वादी जो विचारधारा है या शांतिवादी जो नीति है उसको पूरी तरीके से अपनाया गया है और केवल दुनिया के देशों में ये कहा ही जाता है कि हम शांति की ओर अग्रसर हैं या हम शांति के लिए प्रयास करेंगे, हम विश्व में शांति चाहते हैं। हमारा भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसने अपने जो प्रावधान हैं उसमें स्पष्ट रूप से इसको लिखा है कि भारत शांतिवादी देश है और भारत विश्व में पूर्ण शांति चाहता है। इसको हम देखते हैं कि संविधान निर्माता हैं उनके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं उनका प्रभाव पड़ा था। हमारे भारत में जो जैन धर्म है उसमें अहिंसा का सिद्धांत उसको अपना रखा है। महात्मा गांधी जी भी अहिंसक प्रवृत्तिवादी व्यक्ति थे और वो भी अहिंसा के सिद्धांत को देते थे और भारत हमेशा से ही ये चाहता था कि हम हमारे देश में शांति चाहते हैं और इसी के साथ साथ में पूरे विश्व में भी हम शांति चाहते हैं। इसी वजह से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 में स्पष्टतः इस चीज को लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। अर्थात हमारा जो भारत राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारा जो भारत का संविधान है वो विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को लेकर चलता है और ये विशेषताएं ऐसी हैं जो भारतीय संविधान को एक विश्व के संविधानों से एक विशिष्ट प्रकार का बना देती हैं। इस संविधान में क्या तो हम भारतीय नागरिकों को देखें क्या हम विदेशी नागरिकों को देखें। देखिएगा कि हमारा भारतीय संविधान वो ऐसा है कि जब हम फंडामेंटल राइट की भी बात करते हैं तो दुनिया के देशों में केवल फंडामेंटल राइट अपनी सिटीजन के लिए होते हैं लेकिन हमारा भारतीय संविधान ऐसा है जो यहाँ के नागरिकों के साथ साथ में विदेशी नागरिकों को भी मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये खास विशेषता है और बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान में हैं जिसको बहुत सोच समझ कर हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में लिखा था और इसी वजह से आज हमारा जो भारत का संविधान है उसकी नींव इतनी मजबूत है कि कहते हैं कि दुनिया के देशों के जो संविधान हैं वो बने और बिगड़े यानी कि बहुत कम समय में ही संविधान वो बनने लगे थे और बिगड़ गए थे। और एग्जांपल के रूप में हम एशिया के देश चाइना को ही देख लेते हैं कि 1950 से लेकर और वर्तमान तक चाइना में 5 संविधान बन चुके हैं लेकिन हमारा भारत का संविधान एक बार बना था। इसमें संशोधन करने की शक्ति है, संशोधन किया जा सकता है इसमें और आप देख रहे हो कि 70 सालों में भी ये संविधान ऐसा का ऐसा चल रहा है और आगे भी इस संविधान की प्रासंगिकता है वो ऐसी ही बनी रहेगी क्योंकि ये गतिशील है, इसमें परिवर्तन संभव है और ये समय के अनुकूल
बिल्कुल अपने आप को मोड़ने की क्षमता रखता है। लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, उसी के हिसाब से भारत की संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, और ये सक्षमता उसको संविधान ने ही प्रदान की है। तो इस वजह से हमारा जो भारत का संविधान है वो एक विशेष प्रकार का है। इसकी जो खास विशेषताएं हैं उनको अपन ने देखा था। कुछ भारतीय संविधान हैं उसमें कुछ ऐसे प्रावधान निहित हैं, और संविधान की भी बात आई थी, ये बात आई थी कि संविधान में परिवर्तन संभव है या नहीं है। तो कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें जो निर्णय है वो दिया था। हम संकरी प्रसाद मामले को देखते हैं, 1951 में हुआ था। उसके बाद में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य को देखते हैं, 1965 में ये बात आया था। उसके बाद में 1969 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद आया था। फिर उसके बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद आया था, जिसमें संविधान के मूल ढांचे की बात की गई थी। और ये जो संविधान में बात है ये मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं। और फिर उसके बाद में मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में आया था, जिसमें केशवानंद भारती वाद है उसी को यथावत रखा गया था। अब बात ये भी आ गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत की संसद भारतीय संविधान और मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अर्थात हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भारत की संसद आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकती है। एक बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया भी था और संविधान को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में स्पष्टतः अब निर्णय दे रखा है। तो फिर हम ये कहें कि दुनिया के देशों के संविधानों में इस प्रकार का संरक्षण नहीं है जैसा संरक्षण हमारे भारतीय संविधान के बारे में है। आज हमारा भारतीय संविधान है उसमें परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये संविधान पहले भी गतिशील था, आज भी गतिशील है और आगे भी गतिशील रहेगा। ये संविधान की जो जड़ हैं वो इतनी मजबूत हैं कि इनको कोई हिला नहीं सकता, और हमारा जो भारतीय संविधान है वो अक्षुण था, अक्षुण है और अक्षुण ही रहेगा। धन्यवाद। आप आगे भी क्लासेज लेते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।